देश में पानी की कमी की गंभीर समस्या से तो आप सभी वाकिफ हैं। को देखते हुए आज पीएम मोदी ने अपने शो मन की बात में भी इस बात का जिक्र किया। आपको बता दें, पीएम मोदी ने दूसरा कार्यकाल संभालने के बाद पहली बार मन की बात को संबोधित किया है। मोदी ने पानी की बढ़ती समस्या पर बात करते हुए कहा कि वर्षा से जो पानी मिलता है उसका सिर्फ 8% बचाया जाता है। समय आ गया है कि इस समस्या का हल निकाला जाए। मुझे उम्मीद है कि जन भागीदारी से जल संकट का समाधान कर लेंगे। मैंने ग्राम प्रधानों को पत्र लिखा है कि वो पानी बचाने के लिए ग्राम सभा की बैठक करें और पानी पर विचार विमर्श करें। साथ ही कहा कि 22 जून को करोड़ों लोगों ने समर्थन किया है। लेकिन क्या आपको पता है, मोदी जी के इस उपाय को सुनने से पहले ही एक महाशय पानी की समस्या से निजात का सबसे बेहतरीन उपाय निकाल चुके हैं। जी हाँ, ये उपाय है बरसात के पानी का संग्रहण करना। चेन्नई के ही 45 वर्षीय दयानंद कृष्णन ने इसका बेहतरीन उपाय निकाला है। जी हाँ, दयानंद ने महज 250 रुपये खर्च कर ऐसी व्यवस्था की थी जिससे बारिश होने पर वो हर 10 मिनट में 225 लीटर पानी का संग्रहण कर सकते हैं। आपको बता दें, उनका ये आइडिया लोगों को खूब पसंद भी आ रहा है। यकीनन आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ 250 रुपये में कैसे। बता दें, इसके लिए आपको सिर्फ PVC पाइप की ज़रूरत है। दयानंद ने PVC पाइप की मदद से एक डायवर्जन बनाया है। उन्होंने बिल्डिंग की छत से बारिश के पानी की निकासी के लिए लगे पाइप में से इस PVC पाइप को जोड़ दिया है। उन्होंने पाइप का रास्ता बदलकर उसे एक ड्रम से जोड़ दिया। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि वो इस तरह 10 मिनट में 225 लीटर तक पानी बचा सकते हैं। दयानंद ने सिर्फ पानी को जमा करने का नहीं, उसे साफ करने का भी तरीका निकाला है। पानी जब पाइप से होकर बहता है तो यकीनन उसमें गंदगी होती है, लेकिन इसके लिए उन्होंने पाइप में एक जालीदार फिल्टर लगा दिया है। अब जो भी कचरा होता है वो ड्रम में नहीं पहुँचता। दयानंद इस जमे हुए पानी का इस्तेमाल बर्तन धोने और ऐसी ही दूसरी चीजों में करते हैं। दयानंद कहते हैं, मैंने सोचा कि बारिश का पानी बर्बाद क्यों होने दे। जब बारिश होती है तो शुरुआत के कुछ मिनटों तक पानी गंदा होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसके साथ छत पर जमा कचरा भी बहकर आ जाता है, लेकिन उसके बाद आने वाला पानी साफ रहता है। आप इस पानी से घर में पोछा भी लगा सकते हैं। यकीन दयानंद कृष्णन का ये तरीका जुगाड़ कहलाएगा, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो लोग बारिश के पानी का संग्रहण करना चाहते हैं, चेन्नई में नगर निगम उन्हें इसके लिए तकनीकी मदद भी करेगा। हम सभी ये अच्छी तरह जानते हैं कि जल ही जीवन है, फिर भी इस जल को बचाने के लिए कोई प्रयास नहीं करता। ईश्वर ने जल जैसी अमूल्य चीज हम सब के लिए बनाई है, जिसके सिवा जीवन जीना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इस अमूल्य चीज को बचाने के लिए हम सबको आगे बढ़ना होगा। आप भी अपने सुझाव दें कैसे हम पानी की कमी पर लगाम लगा सकते हैं। मेरा नाम पूजा पठानिया है और मैं खालसा कॉलेज फॉर वुमेन सिविल लाइंस लुधियाना में पढ़ाती हूँ। हमारे कॉलेज में वाटर सेविंग की एक बहुत अच्छी यहाँ पे टेक्निक यूज़ की जाती है। जब आधा घंटा अगर बारिश होती है तो 50 लीटर पानी हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं। पानी जो है आज के युग में बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगली जनरेशन के लिए पानी रह नहीं जाएगा। जैसे पेट्रोल पम्प की ये लाइन लगती है वैसे लग सकती है, इसलिए मुझे लगता है कि ये जो हमने ऐसे इसको पानी को बचाने का जो एक स्टार्ट किया है, ये हर जगह होना चाहिए। एक इंस्टीट्यूशन में नहीं, विलेजेस में भी और हर जगह होना चाहिए। मैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में आम नागरिक से एक ही चीज़ कहूँगा कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक सिंपल और सोवर प्रोजेक्ट है, जो कि प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर है। जो पानी छतों पे खड़ जाता है बारिश के कारण और सीवरेज के माध्यम से वेस्ट हो जाता है या अन्य प्रकार से वेस्ट हो जाता है, उसको वेस्ट करने की जगह रेन वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से पाइपलाइन जो छतों पे खड़ा पानी है या मिस मैनेजमेंट वे में खड़ा पानी है जो कि वेस्टेज का प्रकार है, उसको प्रॉपर तरीके से धरती पर डालने का ही एक माध्यम है और ज़्यादा कुछ नहीं है। तो जैसे कि हम देख रहे हैं लुधियाना शहर में, सुनने में आ रहा है कि 5 जगहों पे प्रोजेक्ट लगे हुए हैं। यदि ये प्रोजेक्ट 5 की जगह 5000 जगह पे हो, तो जो जिस रफ्तार से हम सुन रहे हैं कि धरती का ग्राउंड वाटर का लेवल किसी वजह से डाउन जा रहा है, तो वो डाउन जाने की जगह
एक स्टेबल हो जाएगा और शायद आने वाले कुछ सालों में शायद इसका स्तर ऑटोमेटिकली ऊंचा भी हो जाएगा, क्योंकि किधर ना किधर ग्लोबल वार्मिंग जैसा कंसेप्ट भी पानी को इवेपोरेट करके एक अपना चेन साइकिल जो घुमाता है, जो उसको पानी मिलेगा तो वो अपनी चेन प्रॉपर तरीके से घुमा सकेगा। उसके लिए सबसे बेस्ट सोर्स है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग को थोड़ा बहुत फोकस किया जाए, प्रमोट किया जाए। इसके लिए आम आदमी के साथ साथ यदि हमारे पंजाब के वासी या देशवासी भी अगर इस पर फोकस करें तो हमें उम्मीद है पंजाब का तो क्या पूरे हिंदुस्तान का स्तर बहुत तेज़ी से आने वाले कुछ ही सालों में एक नया रेवोल्यूशन ले आएगा और हर जगह जो सुनने में आता है सूखा बढ़ रहा है वो ग्रीन रेवोल्यूशन में कन्वर्ट हो सकता है।